वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मज़ेदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होते हैं। और नाज़रीन, आज जो मौसम है ना, मौसम अखीर किस्म का बना हुआ है। और स्नोफॉल आप चेक कर सकते हैं असहान इस टाइम, बस इसके ऊपर सफेद सी चादर आ गई है। नई नवेली दुल्हन नहीं आती जैसे घर से ऐसे सफेद कलर का सूट पहन के, ऐसी लग रही है, ठीक है। और आज हमारा है जी एंडोक्राइन का एग्जाम। आप सबसे दुआ है कि हमारा एंडोक्राइन का एग्जाम अच्छा हो जाए, इसके लिए दुआ कीजिएगा। और ये भाई साहब फाइनली पाकिस्तान जा रहे हैं, असहान से इनका रिश्ता खत्म हो गया है, ठीक है। और अभी भी हमारे से नाराज हैं क्योंकि हमने कहा हम स्नो इंजॉय करने जाएंगे और आप एयरपोर्ट पे अकेले जाइएगा, देखते हैं क्या बनता है। तो मामूल के मुताबिक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं पड़े और आपको एग्जाम के बाद सारा कुछ दिखाएंगे। तो भाई पिछले कोई तकरीबन 6 घंटों से स्नोफॉल स्टार्ट है, 6 नहीं ज्यादा हो गए होंगे, कल रात 12 बजे से स्टार्ट है। और ये जी हमारी यूनिवर्सिटी के बैक साइड का व्यू है, ठीक है, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं उसके बैक साइड। और अभी भी स्टार्ट है पड़ी और तीखी इम्तहानी है इस टाइम। ये आप हीटर के सामने खड़े हैं, कसम से सुकून मज़ा आ रहा है। और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा बाहर, तस्वीरें वगैरह लेंगे, आपको भी इंजॉय कराते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा भाई। स्नोफॉल हो और आप एक दूसरे पर गोलाबारी ना करो, मुमकिन ही नहीं। मुस्कुराते चेहरों और क्या होता है के साथ एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का ज़बरदस्त इम्तिहान हुआ है और पास हो गए हैं। मेहदी भाई भी पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नागा भाई भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी नागा भाई, हम जब तक हम आपके साथ हैं आपको डूबेंगे। तो जी ये सीन है और स्नोफॉल अभी भी स्टार्ट, जा रहे हैं खाना खाने गर्मा गर्म। और कैमरे का आ गया है, खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मुलाकात होती है। तो जी ये है हमारा वो सालन जहाँ पे हम क्या खाते हैं खाना, और भूख लगी हुई है सर, और खाना हमने रिसीव कर लिया है पुरतों का। ये है खाना जी, यहाँ का देसी खाना, आपको हर जगह चावल मिलेंगे और साथ में ये सेम वही डिश जिसे हम बोलते हैं घर में साग ला के, यहाँ पर लोबिया साग है, पालक सोर, साथ में माल्टा दिया गया है। पर ये है कुछ रेस्टोरेंट का हाल, यहाँ पे हमें देते हैं जस्ट लंच मिलता है, यहाँ से आपको कार्ड पे खाना मिलेगा और कार्ड के बगैर आपको खाना नहीं मिलेगा। और ये बंदा भी इंडिया से, इसका नाम हम रखते हैं हसन फ्रॉम बम्बई। ये मुझे आज तक ये नहीं पता चला, कोई लोग बोलते हैं मुंबई, कुछ बोलते हैं बम्बई, बम्बई पहले बोला जाता था, 1990s से पहले बम्बई बोलते हैं जी, उसके बाद ये सब चेंजेस है भाई। हसन भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे इंसान है। और ये वो ग्रुप खड़ा है जो शाहकार खड़े हैं, ये हमारे पाकिस्तान की शान आन बान, अगले वज़ीर आला मौली, ये मौली बंदा, ये बंदा जमात इस्लामी का परमानेंट बंदा है। कभी भी आपको पाकिस्तान में कोई दीनी मसाइल पूछो ना इस बंदे से रब्ता की जाएगा। इसका नाम है मौलवी साजिद कने अल्फाज गाने। अगर आपको कहीं पे मीन के आप खुले बैठे हो ना और आपने तंग होना हो, इस बंदे से रब्ता की जाएगा। इस बंदे ने मुझे तफ्तान के सफर तक रुलाया। ये हमारे एक और यूट्यूबर, ये मुज़म्मिल अलियानी साहब, और आजकल इनके भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, टाइम मिला तो हम देखेंगे। इन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैंने किया है, मैं कैसे देखता हूँ फिर। ये बात तो है ना, हम तो हर किसी को सपोर्ट करते हैं। मुंह में गया है। जी ये मुझे मेहदी ने मारा है और इस टाइम मेरी ओ मेरी ये एक और आंख सूज गई है, सही है। तो जी तकरीबन कुछ 16-17 घंटे हो गए और सुनो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये देख लें कि यहाँ पे ये आपको पाँव घुसा के दिखाते हैं, ये इतनी स्नो हो चुकी है कि तकरीबन आधा फुट तक स्नो हो चुकी है। और यहाँ पे जी अच्छा खासा कंपटीशन जारी रहा है पीछे, सही है। मुझे एक कान पे पड़ी है अखीर किस्म की लान हुआ, और एक आंख पे पड़ी है, आंख में मेहदी ने मारी है और कान पे उसामा ने मारी है। जो बंदा है ना ये शहनशाह भाई,
ये अखीर है, इनको बर्फ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चंद अभी सर्दी है क्या? जून जुलाई का मौसम है। तो जी भाई, हम अपने डोम के बाहर आ चुके हैं, ठीक है, और इंतहाई अखीर किस्म की स्नोफॉल हुई है, ठीक है। हम शदीद स्नो से रहे हुए लोग हैं, सही है, ठीक है। हमारे पास कहीं भी स्नो नहीं होती, ठीक है, कहीं बस पाकिस्तान के वो नॉर्थ एरियाज में जहाँ हम करीब लोग जा नहीं सकते, यहीं पर अल्लाह ने हमें नेमत अता कर दी है, ठीक है। ये सामने हमारी डोम की बिल्डिंग है, ये व्यू सारा, ठीक है। और ये देख लें, ये बिल्कुल सुनसान ग्राउंड था, यहाँ पे कोई भी नहीं आता था, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, अल्लाह की नेमत आई हुई है, सफ़ेद चादर बिछ गई है सब, और यहाँ पे रानी फैमिलीज भी इंजॉय कर रही हैं। और अभी तो बस सारे काम शाम पे गए हुए हैं, जब वापस आएंगे बाद और भी माहौल बनेगा, शाम के वक्त ज़्यादा माहौल होगा, ठीक है। लेकिन आग शाग लगाएंगे, बोनफायर मनाएंगे, थोड़ा टिका छिका अगर मूड बन गया इंशाल्लाह तो माहौल हम बनाएंगे। और लेकिन आप लोग ना यार सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को पूरा नहीं देखते ना, इसीलिए मजा नहीं आता, इसलिए मैं भी नहीं आ रहा ना। जब लाइक करेंगे मैं भी बीच में आऊंगा तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि यार आप लोग सब्सक्राइब किया करो यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों पे, ये हाथ हाथ काम पर है कसम से, हाथ इतनी सर्दी है इतनी, ये देख रही है तो ये था सीन जी, ब्लॉग खत्म हो ही गया है, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, मैंने कहा ये भी हम आपको दिखाते ही जाएंगे, ठीक है। और ये कैमरा मैन मेरे घूमते ही जा रहे हैं, ठीक है, मुझे भी घुमा ही रहे हैं सर्दी है और सर्दी है। ये जी भारिस्तान के बैक साइड पे पहाड़ हैं, ठीक है, ये जूम करें, ये देखें, बिल्कुल सुनसान थे, मिट्टी के पहाड़ थे, लेकिन देखें अल्लाह की कुदरत ने इन्हें सफ़ेद बना दिया और बिल्कुल इंतहाई अखीर किस्म का व्यू आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, तब तक के लिए हम आपकी खिदमत में वीडियोस देते ही रहेंगे भाई, देते ही रहेंगे। तो भाई हल्ला गुला करके हम फाइनली अपने डोम पहुंचने वाले हैं, और इस टाइम मेरे साथ हामिद भाई, और बाहर आप ये देख सकते हैं कि ये भारिस्तान में इनके हमारी मेन सिटी से 18 किलोमीटर दूर यहाँ पे सबसे कम बर्फबारी होती थी, और इस बार बर्फबारी ने, स्नोफॉल ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए भाई, पिछले 2-3 साल की जितनी कसर थी ना खत्म कर दिया लगातार, कोई ऑलमोस्ट कोई 20 घंटे तो मुझे लग रहा है। ने भी दिल हल्का कर दिया 20 घंटे हुई है 10 साल बाद हुई है। अब ये हालात हो चुके हैं कि पूरे शूज पानी से भर चुके हैं, पेंट गीली है, ये जैकेट गीली हो चुकी है, और इंतहाई सर्दी है, और अभी ना गर्मा गर्म घर खाना मिल जाए, गरीब बंदे हम, जैसे कि आप देख रहे इसको बहुत मार पड़ी है आज यार, एक मुझे यहाँ भी लगी है, एक मुझे कान के ऊपर लगे गोला, अखीर के दम का कान खराब हो गए तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की नेमत में से एक नेमत है बड़ी, और बड़ा मजा आया बाद है इधर, और काफी टाइम बाद है, और हम खुश हुए हैं, अपने लिए भी खुश हुए हैं और ईरानियों के लिए, क्योंकि ईरानी भी बहुत डिप्रेशन में थे, चलो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से घर से बाहर निकले हैं, हल्ला गुला करेंगे, टेंशन रिलीज हो जाएगी हमारे भाइयों की भाई। तो ये था जी आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, ठीक है, इतना कोई खास नहीं बनाया हमने, क्योंकि सर्दी से हाथ कांप रहे थे और मोबाइल चल नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ऐसे स्नो आ रही थी ना, और कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आज का ये व्लॉग था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। हाय 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 हाय, खुदा हाफिज़।